नमस्कार दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश APS यूनिवर्सिटी रीवा ने एग्ज़ाम टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आपका टाइम टेबल आ गया है स्नातक प्रथम वर्ष के कोर्सेस के लिए। इसमें BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टेबल है। तो BA फर्स्ट ईयर जिनका भी कोर्स है उनके लिए टाइम टेबल है। इसमें टाइमिंग रहेगा 3 PM to 6 PM, शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे के दौरान एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके 15 जुलाई से। 15 जुलाई को आपका पहला पेपर है, 15 जुलाई को मेजर फर्स्ट, ठीक है, जिन्होंने भी लिया होगा हिंदी लिटरेचर या मैथ मेजर। हिंदी लिटरेचर ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य उसका है। फिर 16 जुलाई को पेपर होगा मेजर सेकंड या माइनर, जिन्होंने भी लिया होगा हिंदी लिटरेचर या मैथ का सेकंड। फिर उसके बाद 18 जुलाई को पेपर होगा मेजर फर्स्ट ज्योग्राफी या होम साइंस फर्स्ट का। उसके बाद 19 जुलाई को जो पेपर आपका है वो है मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव ज्योग्राफी होम साइंस फर्स्ट का। फिर है 21 जुलाई को मेजर फर्स्ट है सोशियोलॉजी या AIHCA का फर्स्ट। फिर है 22 जुलाई को, ठीक है, मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव सोशियोलॉजी, ठीक है, माइनर का पेपर AIHCA का सेकंड यानी माइनर पेपर। फिर 23 जुलाई को पेपर होगा मेजर फर्स्ट का इकोनॉमिक्स या इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। फिर इसके बाद 25 जुलाई को पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव इकोनॉमिक्स या इंग्लिश सेकंड का। फिर इसके बाद है 26 जुलाई को पेपर होगा मेजर फर्स्ट हिस्ट्री यानी इतिहास और म्यूज़िक का प्रथम प्रश्न पत्र यानी मेजर। फिर 27 जुलाई को पेपर होगा आपका मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव हिस्ट्री और म्यूज़िक सेकंड का, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर हैं। फिर 28 जुलाई को पेपर होगा मेजर फर्स्ट का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी फिलॉसफी, इन सभी के मेजर पेपर होंगे। फिर 29 जुलाई को आपका मेजर सेकंड जो कि माइनर कहलाता है इलेक्टिव, इन सभी का एग्ज़ाम होगा। उसमें है पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी फिलॉसफी फर्स्ट फिलॉसफी सेकंड। तो ये जो भी सब्जेक्ट हैं जहां पर मेजर सेकंड आता है यानी दूसरा प्रश्न पत्र जिसे कहते हैं माइनर प्रश्न पत्र, ठीक है। फिर 30 जुलाई को पेपर होगा आपका मेजर फर्स्ट संस्कृत कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद 1 अगस्त को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव संस्कृत कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड का। और 2 अगस्त को आपका पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स, ध्यान दीजिएगा, आधार पाठ्यक्रम का परीक्षा 2 अगस्त को होगा। पहला फाउंडेशन फर्स्ट में आता है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश का पेपर एक साथ होगा, वो आता है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट में। और फिर इसके बाद 3 अगस्त को फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर होगा, आधार पाठ्यक्रम का सेकंड पेपर, जिसमें आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन यानी पर्यावरण अध्ययन योग और ध्यान, ये आता है फाउंडेशन कोर्स सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर अनिवार्य आना है, ठीक है, और यह समय सारणी नियमित छात्रों के लिए है, विशेष ध्यान दिए, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है। और आधार पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा OMR शीट के माध्यम से 2 घंटे में होगी एवं समय होगा 3 से 5, ठीक है। बाकी सभी पेपर आपके 3 घंटे के होंगे, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम का की परीक्षा 2 घंटे में होगी और वो भी OMR शीट पर होगी, यानी एक आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें सिर्फ गोला लगाना है, टिक लगाना है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। और पूरे जो क्वेश्चन आएंगे आपके आधार पाठ्यक्रम के वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा,
आधार पाठ्यक्रम में, ठीक है, इसलिए आपको OMR शीट मिलेगी, उसी में टिक लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा BA, BSc, BCom, BHSc, BCA, BBA, बिलीव साइंस, जनरिक इलेक्टिव, वोकेशनल, ओपन इलेक्टिव के प्रश्न पत्र कॉमन रहेंगे, जिसका परीक्षा कार्यक्रम पृथक से जारी होगा। तो इतने तो आपके मेन हैं। इसके अलावा ये जो जनरिक इलेक्टिव होती है, नया जो शिक्षा नीति आई हुई है, उसमें बहुत सारे जो हैं पेपर इंक्लूड हुए हैं, तो ये सब में जो कॉमन रहता है वो ये है, जनरिक इलेक्टिव, वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव, ये कोई भी ले सकता है, कैसे भी ले सकता है। तो उसका जो पेपर है वो अलग से जो है टाइम टेबल जारी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र सभी में क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है BCom, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल 7 पेपर का ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है, सब मिला के 7 पेपर का ही आपको एग्ज़ाम देना है, और 7 पेपर के बाद 8वां पेपर आपका होता है फील्ड वर्क, जिसे प्रोजेक्ट कहते हैं, वो आपके कॉलेज में होगा, लेकिन 7 पेपर वो होंगे जिसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाना होगा, वहाँ एग्ज़ाम देना होंगे। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेजर का 1, फिर मेजर सेकंड का 2, फिर उसके बाद माइनर 3, फिर जो ओपन इलेक्टिव है वो 4, और वोकेशनल 5, और उसमें फाउंडेशन में 2 और होंगे। तो इस तरह से टोटल 7 पेपर ही आपको देने होंगे, तो उस तरह से आप काउंट कर लें, ठीक है। अब आते हैं BCom के बारे में। BCom फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिवाइज्ड टाइम टेबल है। तो अब आपके एग्ज़ाम 15 जुलाई से होंगे, तो 15 जुलाई को मेजर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर 18 जुलाई को पेपर होगा मेजर सेकंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर 21 जुलाई को पेपर होगा माइनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर 23 जुलाई को आपका जनरिक इलेक्टिव पेपर्स होंगे ऑप्शनल एनीवन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स, सेल्स प्रमोशन एंड डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई एक पेपर होगा जनरिक इलेक्टिव का, ठीक है, उसमें से रहेगा। फिर 25 जुलाई को आपका पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आएगा, और फिर 25 जुलाई को आपका पेपर होगा, इसमें 25 जुलाई मंडे को, और फिर 25 जुलाई, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, 23 के बाद 25, 25 के बाद फिर 28 कुछ होगा, तो उसको चेक कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स सेकंड का, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, डेट 25 ही दोनों हो रही है, एक दिन में तो एक ही होगा, 25 जुलाई को एक ही होगा, दो नहीं होंगे 25 जुलाई को, ठीक है, या तो आप कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी में इसी तरह से है। बाकी जो अभी और पेपर हैं उसकी लिस्ट आनी बाकी है, जिसमें ऑप्शनल होते हैं जेनरिक इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र होते हैं, उसके लिए अलग से टाइम टेबल जारी किया जाएगा। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है BSc फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है। टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो अलग अलग टाइमों में होगी, ठीक है, तो टाइमिंग का भी विशेष ध्यान दें कि एक डेट में हो सकता है दो अलग अलग टाइमों में एग्ज़ाम हो, तो टाइम का विशेष ध्यान दें। सुबह 7 से 10 के दौरान एग्ज़ाम है। 15 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होंगे BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का। पहला पेपर होगा मेजर फर्स्ट मैथ्स या बॉटनी का, फिर 16 जुलाई को पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव का, मैथ या बॉटनी का जो सेकंड पेपर होगा, जिसे हम कहते हैं मेजर सेकंड या माइनर, और इलेक्टिव भी होता है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, विषय विशेष वैकल्पिक, ठीक है। अब उसके बाद आपका 16 के बाद 18 जुलाई को पेपर होगा मेजर फर्स्ट जूलॉजी और फिजिक्स में, जो भी होगा उसका मेजर फर्स्ट का पेपर होगा। फिर 21 जुलाई को आपका जो है मेजर फर्स्ट का, 18 जुलाई के बाद 19 जुलाई को पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव का, जूलॉजी और फिजिक्स का सेकंड पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर का मतलब होता है मेजर फर्स्ट, सेकंड पेपर का मतलब होता है मेजर सेकंड, और मेजर सेकंड ही कहलाता है माइनर, और उसी को भी कहते हैं इलेक्टिव, ठीक है, तो वहीं बस प्रॉब्लम है, बाकी जगह सब क्लियर है।
फिर उसके बाद है 21 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट में जियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट का। फिर उसके 21 के बाद आपका 22 जुलाई को पेपर है मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव का जियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सेकंड। 23 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट केमिस्ट्री का या स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी या रसायन का प्रथम प्रश्न यानी मेजर फर्स्ट। 25 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव यानी द्वितीय प्रश्न, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स में जो सेकंड पेपर होगा आपका मेजर सेकंड या माइनर। फिर 26 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट जिसमें है कंप्यूटर साइंस मिलिट्री साइंस का प्रथम पेपर। फिर 27 जुलाई को आपका होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव यानी सेकंड पेपर होगा कंप्यूटर साइंस मिलिट्री साइंस का। फिर 28 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट का जिसमें है बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट, इन सभी के प्रथम प्रश्न पत्र होंगे 28 जुलाई को मेजर फर्स्ट का। फिर 29 जुलाई को इसी का सेकंड पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव किस किस का, बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फिर 30 जुलाई को आपका पेपर होगा फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है 30 जुलाई को आपका होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का, पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का रहेगा यानी फाउंडेशन फर्स्ट आधार पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र में ये दोनों चीज़ें आती हैं। फिर 1 अगस्त को आपका पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स सेकंड का यानी आधार पाठ्यक्रम द्वितीय, इसमें आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन यानी पर्यावरण अध्ययन योग और ध्यान, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी टाइम टेबल है और बाकी जैसा मैंने आपको बताया है ये जानकारियाँ हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट में है बीबीए फर्स्ट ईयर का जो है ये टाइम टेबल है, एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपका कोर्स हो आपको लगभग जो है 7 ही पेपर देने हैं, 7 पेपर से ज़्यादा आपको नहीं देना है, लेकिन 7 पेपर तो आपके रहेंगे ही, ठीक है, जिसमें से मेजर के 2 पेपर होंगे, फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर होंगे और बाकी ऑप्शनल के रहते हैं उस तरह से, ठीक है। अब आइए देखते हैं बीबीए फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है। टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM समय। 15 जुलाई से जब आपका पेपर शुरू होगा तो मेजर फर्स्ट का पेपर होगा ग्रुप ए से, फर्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। फिर 18 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड जिसे कहते हैं माइनर इलेक्टिव यानी ग्रुप ए में सेकंड कम्युनिकेशन स्किल है ये। फिर 21 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट का ग्रुप बी से माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर 23 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड माइक्रो माइनर और इलेक्टिव में ग्रुप बी का जो सेकंड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फिर 25 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होगा जो कि ग्रुप सी का फर्स्ट पेपर है। फिर 27 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड जिसे कहते हैं माइनर या इलेक्टिव ग्रुप सी का सेकंड पेपर होगा बिजनेस मैथमेटिक्स का, ठीक है। इनमें से कोई एक ही आपने ग्रुप लिया होगा, जो भी ग्रुप का आप जैसा भी आपने पेपर लिया है, ठीक है। मेजर तो सिर्फ वही रहता है, माइनर क्या है कोई भी ले सकता है उस तरह से है, क्योंकि माइनर जो होता है वही कहलाता है मेजर सेकंड और वही कहलाता है इलेक्टिव, ठीक है। फिर 28 जो है जुलाई को आपका होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर। फिर 30 जुलाई को आपका पेपर होगा फाउंडेशन सेकंड का पेपर, ठीक है। तो इस तरह से टाइम टेबल है। बाकी जैसे मैंने आपको जानकारी दी फाउंडेशन के कोर्स का 2 घंटे का टाइम है, ओएमआर शीट पे आंसर लिखनी है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ टिक लगाना है ओएमआर शीट पर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइम टेबल है बीसीए का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है जिसमें टाइम रहेगा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी 7 AM to 10 AM। 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। 15 जुलाई को आपका पहला पेपर होगा मेजर फर्स्ट का जिसमें आता है कंप्यूटर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। फिर आपका पेपर होगा 18 जुलाई को जिसमें आएगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव, ये है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर इसके बाद 21 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 23 जुलाई को आपका पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज।
आधार पाठ्यक्रम पहला जो होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है, फिर 25 जुलाई को आपका पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स सेकंड यानी आधार पाठ्यक्रम सेकंड का, जिसमें आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, योगा एंड मेडिटेशन यानी पर्यावरण अध्ययन, योग और ध्यान का। तो इस तरह से सिंपल सा है BCA का टाइम टेबल, ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, बीलिव साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एनुअल एग्जामिनेशन 2021-22, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए, नियमित छात्रों के लिए टाइम टेबल है। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM, सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे। 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, पहला पेपर होगा आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, फिर 18 जुलाई को दूसरा पेपर होगा आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, 21 फिर 18 के बाद 21 जुलाई को पेपर है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, फिर 23 जुलाई को आपका पेपर सेकंड होगा लाइब्रेरी कैटालॉगिंग थ्योरी, फिर उसके बाद है 25 जुलाई को आपका पेपर फर्स्ट होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, और फिर 27 जुलाई को आपका सेकंड होगा लाइब्रेरी कैटालॉगिंग प्रैक्टिकल, ठीक है, फिर 28 जुलाई को आपका पेपर होगा फर्स्ट में इंफॉर्मेशन सोर्सेस सिस्टम्स एंड सर्विसेस, फिर है 29 जुलाई को आपका पेपर होगा सेकंड बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं ICT, ठीक है, बेसिक्स बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद है 4 अगस्त को पेपर जेनरिक इलेक्टिव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपी राइट्स, फिर उसके बाद है 5 अगस्त को एबिलिटी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल है ये, ठीक है, इस तरह से ये है। तो आप देख सकते हैं ये टाइम टेबल था बी लिव बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी का जो कोर्स होता है उसके लिए ये टाइम टेबल है रेगुलर स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अब है BHSC बैचलर ऑफ होम साइंस यानी गृह विज्ञान जिनका कोर्स है उनके लिए टाइम टेबल है। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर स्टूडेंटों के लिए टाइम है, गृह विज्ञान के जो छात्र हैं प्रथम वर्ष, टाइम रहेगा 7 AM to 10 AM, एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके 15 जुलाई से, तो 15 जुलाई को आपका मेजर फर्स्ट फूड एंड न्यूट्रिशन है, फिर 16 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड जिसे माइनर कहते हैं इलेक्टिव कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, फिर 18 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट का लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का, फिर 19 जुलाई को आपका पेपर होगा मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव जिसमें आता है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका पेपर होगा 19 जुलाई को, फिर 21 जुलाई को आपका पेपर है मेजर फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी फिजियोलॉजी है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बाद है 22 जुलाई को मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव पेपर होगा इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद 23 जुलाई को पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पार्ट एक हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, आधार पाठ्यक्रम प्रथम का प्रश्न होगा 23 जुलाई को आपका, फिर उसके बाद 25 जुलाई को पेपर होगा फाउंडेशन सेकंड यानी आधार पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न जिसमें आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, योगा एंड मेडिटेशन, पर्यावरण अध्ययन और योग और ध्यान, ठीक है, तो इस तरह से फाउंडेशन आधार पाठ्यक्रम के 2 पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड, पहला एक दिन होगा फिर दूसरा, ठीक है, तो इस तरह से है। और उसको OMR शीट में आपको आंसर करना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे पूरे आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में। तो इस तरह से ये टाइम टेबल था, तो आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका कोर्स है और जो भी आपका पेपर है। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।